हेलो एवरीवन, तो आज आपके सामने जो गाड़ी खड़ी है यह है मारुति नेक्सा का इग्निस। और ये एक ऐसी गाड़ी है ना, हर मिडिल क्लास को अगर ये गाड़ी दिखाया जाए तो तुरंत इसको पसंद कर लग जाएंगे, इसका जो है लुक और इसके फीचर्स को लेके। तो क्या कुछ इसमें आ रहा है, कौन सा मॉडल है, माइलेज कितना दे देता है, सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पर जो आप सामने देख रहे हो इग्निस का एकदम टॉप ऑफ द लाइन वेरियंट आप देख रहे हो, यानी अल्फा और ऑटोमेटिक वर्जन के साथ आप देख रहे हो। इसका मैनुअल भी आता है और सीएनजी ऑप्शन भी आता है गाइस इसमें, तो तीनों ऑप्शन के साथ यहाँ पे मिल रहा है, तो काफी बेहतरीन है। आपको जो पसंद आता है वो आप इसमें ले सकते हैं। सबसे पहले इसकी खासियत जो बताता हूँ ना, इसकी जो है माइलेज और परफॉर्मेंस, इतनी मक्खन चलती है गाड़ी क्या ही बताए, जबरदस्त है। फोर सिलेंडर इंजन के साथ ही आती है। और यहाँ पे जो है इसके माइलेज की ही बात कर लेंगे सबसे पहले, तो यहाँ पे 21 KMPL का माइलेज यहाँ पे पेट्रोल में शो करता है ऑटोमेटिक के साथ, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना बढ़िया माइलेज दे सकती है। बाकी जो गाड़ी की माइलेज है वो अलग अलग फैक्टर पे डिपेंड करता है, वो एक अलग बात है। तो यहाँ पे गाड़ी का जो है लुक्स की बात करेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हो इतनी बेहतरीन और जबरदस्त लगती है इसका जो है फ्रंट प्रोफाइल, आप खुद ही देख लीजिए, काफी जबरदस्त यहाँ पे लग रहा है। यहाँ पे जो है क्रोम के जो है एलिमेंट्स यहाँ पे यूज किए गए हैं ग्रिल में, काफी अच्छे लग रहे हैं, बोल्ड लुक आ रहा है इसकी वजह से। और यहाँ पे हेडलाइट्स देखेंगे यहाँ पे तो DRLs प्रोजेक्टर LED हेडलाइट्स यहाँ पे मिल जाता है, गजब की रोशनी है इसमें। साइड में हेलोजन बल्ब के साथ यहाँ पे टर्न इंडिकेटर दिया गया है हेडलैम्प के यूनिट के अंदर ही, देख सकते हो काफी जबरदस्त लग रहा है। और यहाँ पे जो है नीचे की तरफ देखेंगे तो फॉग लैम्प प्लेस्ड है जो कि हेलोजन बल्ब के साथ यहाँ पे मिल रहा है, सही है। फ्रंट में सिल्वर कलर का स्कीड प्लेटें आ रही है, बढ़िया लग रही है। और बोनट के ऊपर यहाँ पे दो दो वॉशर यूनिट मिल जाता है, विंडशील्ड क्लीन अच्छे से यहाँ पे कर देता है, जबरदस्त है इसका फ्रंट प्रोफाइल, आप देख ही सकते हैं। अब आते हैं गाड़ी के साइड प्रोफाइल की तरफ, तो साइड से इसको अगर आप देखेंगे तो एक बहुत अच्छे लुक यहाँ पे डिज़ाइन दिया गया है इस गाड़ी को, देख सकते हैं आप। जो है मैं फ्रेम में ला लेता हूँ, तो ये देखिए कुछ इस तरीके से कार का साइड प्रोफाइल यहाँ पे मिलता है। डायमेंशन की बात कर लेंगे तो यहाँ पे 3700 mm कार की जो है लंबाई मिल जाती है, चौड़ाई की बात करेंगे तो 1690 mm की मिलती है, और गाड़ी की जो ऊंचाई है वो यहाँ पे 1595 mm की मिलती है। और जो व्हील बेस है इसका वो 2435 mm को मिलता है, कैबिन स्पेस जबरदस्त है इसकी वजह से। और यहाँ पे देखेंगे इसके व्हील्स, तो भाई यहाँ पे अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, बढ़िया लग रहे हैं, देखो अच्छे डिज़ाइन के साथ यहाँ पे मिलता है और ब्लैक पेंटेड है, बीच में सुजुकी का लोगो। और यहाँ पे फ्रंट में डिस्क ब्रेक, रियर में ड्रम ब्रेक्स आते हैं। और जो प्रोफाइल है वो यहाँ पे 175/65 R15 के यहाँ पे मिल जाता है। और यहाँ पे बोनट के ऊपर की तरफ देखेंगे तो एक ब्लैक स्ट्रिप मिल जाता है प्लास्टिक फिनिशिंग के साथ, सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है। ORBM इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल दोनों हो जाता है, टर्न इंडिकेटर भी ORBM पे आ रहे हैं। ए पिलर ब्लैक टेप्ड आउट है, देख सकते हो ऊपर सिल्वर कलर का रूफ रेल्स मिल जाता है, सही लग रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं पैसिव एंट्री के लिए यहाँ पे पैसेंजर साइड में भी रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया है, अच्छे लग रहे हैं। बी पिलर भी ब्लैक टेप्ड आउट और सी पिलर में कुछ इस तरीके से डिजाइन है। और यहाँ पे देखेंगे 32 लीटर का फ्यूल टैंक यहाँ पे मिल जाता है, सही है। और इस गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूंगा तो यहाँ पे 180 mm का मिल जाता है। अब यहाँ पे इसका रियर देखेंगे आप तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे मिल जाता है, देख सकते हो सही लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, यहाँ पे जबरदस्त है। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे तो वाइपर, डिफॉगर, ये सारी चीज़ें यहाँ पे ज़रूर मिल जाता है, वॉशर यूनिट के साथ है। स्पॉइलर यहाँ पे मिल जाता है, देखो अच्छे लग रहे हैं इसकी वजह से, ज़बरदस्त है। ऊपर जो है पोल एंटीना दिया गया है। और यहाँ पे जो है इसके लाइट्स की बात करेंगे तो सबके सब यहाँ पे जो है ब्रेक लाइट्स, रिवर्स लैम्प और टर्न इंडिकेटर, ये हेलोजन बल्ब के साथ यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे देखेंगे तो रिफ्लेक्टर हो गया, और सेंसर यहाँ पे 4 सेंसर यहाँ पे मिल जाते हैं, रिवर्स पार्किंग वाला, रिवर्स कैमरा हो गया ये। और यहाँ पे देखेंगे सिल्वर कलर का यहाँ पे स्किड प्लेटें मिल रहा है, अच्छे लग रहे हैं काफ़ी। तो ये था इसका रियर प्रोफाइल के बारे में। अब बात करते हैं इसके कार के बूट स्पेस की, तो यहाँ पे आप इसके बूट स्पेस देखेंगे तो सबसे पहले इसका बूट पहले ओपन कर लेते हैं, आपको दिखाते हैं। अच्छा यहाँ पे बूट स्पेस मिल जाता है इस गाड़ी के हिसाब से, मतलब जितना गाड़ी की साइज़ है उसके हिसाब से बूट स्पेस बहुत अच्छा है। यहाँ पे 260 लीटर का बूट स्पेस यहाँ पे मिल जाता है, पार्सल ट्रे साथ में मिलेगा, लगेज लैम्प दिया गया है, सही है, रात में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। और बाकी स्टेपनी वगैरह वो सब कुछ इसके अंदर ही यहाँ पे मिल जाता है, और जो स्टेपनी है वो स्टील रिम के साथ मिलता है, और साइज 175/65 R15 का ही मिलता है। करते हैं इसको बंद, कुछ इस तरीके से यहाँ पे बंद हो जाता है, देख सकते हो आप। अब जो है गाड़ी के अंदर चलते हैं तो यहाँ पे देख सकते हो पैसिव एंट्री दिया गया है, सही है, बढ़िया चीज़ें। यहाँ पे डोर ट्रिम की बात करेंगे बहुत अच्छा यहाँ पे मिल जाता है, देख सकते हो जो ब्लैक और
व्हाइट कलर का कॉम्बिनेशन के साथ यहाँ पे मिलता है, और जो है यहाँ पे देख सकते हो सिल्वर फिनिशिंग भी कई कई जगह पे देखने के लिए मिलता है। काफी अच्छा लग रहा है इंटीरियर, प्रीमियम इंटीरियर मिल जाता है देख सकते हो। और यहाँ पे चारों के चारों पावर विंडो, ड्राइवर वाला ऑटो डाउन के साथ यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे विंडो लॉक करना, क्रोम डोर लीवर, ग्रैब हैंडल देख सकते हो कुछ इस तरीके से मिलता है, बॉटल होल्डर, न्यूज पेपर होल्डर, ये रैप किया हुआ है क्योंकि नई गाड़ी है। यहाँ पे ट्विटर्स के लिए जगह दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हो स्पीकर यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे सीट देखेंगे तो बहुत अच्छा यहाँ पे मिल जाता है, फैब्रिक वाले सीट यहाँ पे मिल रहे हैं, काफी चौड़े चौड़े सीट यहाँ पे दिए गए हैं, बैठेंगे काफी कंफर्टेबल फील यहाँ पे होता है। मैनुअली हाइट एडजस्टमेंट यहाँ पे मिल जाता है इस गाड़ी में। तो ये है इसका सीट एडजस्टेबल हेडरेस्ट है। और रियर वाले की बात करेंगे तो रियर में भी एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। अब यहाँ पे साइड में देखेंगे तो पुश बटन स्टार्ट स्टॉप मिल जाता है, ट्रैक्शन डिसेबल करने वाला बटन, यहाँ पे हेडलाइट लेवल करने वाला बटन। ये वाला बटन से क्या होता है, इसका क्लस्टर का ब्राइटनेस कम ज़्यादा होता है। बाकी दो बटन से इसका ट्रिप है, ट्रिप भी बाकी सेटिंग के लिए यूज़ होता है। अब इसका इंटीरियर की बात करेंगे तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे इंटीरियर मिलता है, जो कि एक बेहतरीन इंटीरियर मुझे लगा। और यहाँ पे जो है इसका स्टेयरिंग देखेंगे तो स्टेयरिंग राउंड शेप में यहाँ पे दिया गया है कुछ इस तरीके से, और सिल्वर फिनिशिंग भी है अंदर की तरफ देख सकते हो, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। और यहाँ पे जो है कॉलिंग वाले बटन्स, म्यूजिक के कंट्रोल्स, और जो है यहाँ पे ये जो है अप डाउन हो जाता है, मतलब टिल्ट स्टेयरिंग यहाँ पे मिल जाता है। और इधर जो है वाइपर वाले फंक्शन, इस साइड को जो है हेडलाइट वाले फंक्शन यहाँ पे मिल जाते हैं। और यहाँ पे प्यारा सा क्लस्टर यहाँ पे दिया गया है, काफ़ी अच्छा लगता है देख सकते हो। साइड में डिजिटल है, बीच में जो है स्पीडोमीटर है, साइड में आरपीएम मीटर भी दिया गया है जो कि एनालॉग है। बाकी जो तमाम इन्फॉर्मेशन है वो डिजिटल डिस्प्ले में यहाँ पे शो करने वाला है। न्यूट्रल है फर्स्ट गियर में, थर्ड गियर में सब कुछ यहाँ पे शो करेगा। डिस्टेंस टू इम्पेटी कितना किलोमीटर चलने वाली है वो भी शो करेगा। ट्रिप एड ट्रिप भी, काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी डिस्प्ले का ब्राइटनेस है वो कम ज़्यादा अपने हिसाब से यहाँ पे कर सकते हैं, काफ़ी सही चीज़ लगा। और यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम की बात करेंगे तो यहाँ पे ज़बरदस्त म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है। साइड में टच कैपेसिटिव बटन्स यहाँ पे दिए गए हैं, सही चीज़ है। और इसमें स्मार्ट स्टूडियो एप्स के थ्रू आप इसमें वॉइस कमांड वगैरह दे सकते हैं, बहुत सारे फीचर जो है मारुति के वो एक्सेस कर पाते हैं। और एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले ये भी यूज़ हो जाता है इसमें, सही चीज़ है। डैशबोर्ड देखेंगे तो फ्लैट सरफेस में यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं एसी वेंट दिया गया है कुछ इस तरीके से, जो कि एक फुल ऑटोमेटिक एसी यहाँ पे मिलता है। हैजर्ड लाइट वाला बटन हो गया, और यहाँ पे एसी के कंट्रोल्स यहाँ पे दिए गए हैं, देखो कितने अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पे सारे के सारे बटन्स यहाँ पे मिल जाते हैं, ऑटो पे यूज़ करना है अपने हिसाब से, डिफॉगर या डिफॉगर कहाँ कौन सा क्या यूज़ करना है। यहाँ पे बटन्स दिए गए टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए, यहाँ पे फैन स्पीड को कंट्रोल करने के लिए साइड में दिया गया है। यहाँ पे नीचे की तरफ देखेंगे तो ऑक्स इनपुट, यूएसबी इनपुट, और यहाँ पे 12 वोल्ट आउटपुट यहाँ पे मिल जाता है। और यहाँ पे कार के कीज़ है देखो कुछ इस तरीके से यहाँ पे मिलता है, बढ़िया है सही है। और यहाँ पे भी सिल्वर फिनिशिंग दिया गया है, साइड में देख सकते हो आप कुछ इस तरीके से। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की बात किया था तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है, AMT यहाँ पे मिलता है। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ऊपर अलग से टैबलेट होल्डर भी दिया गया है, ग्लव बॉक्स का स्पेस काफ़ी अच्छा है। IRBM डे नाइट मैनुअल एडजस्टेबल के साथ यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे जो है टिकट होल्डर मिल जाता है इस साइड में, लाइटें हो गई, इधर वैनिटी मिरर भी दिया गया है, सही है। तो ये था ओवरऑल इसका इंटीरियर। अब इसका जो एक बार रियर कैबिन स्पेस वगैरह चेकआउट करवा देता हूँ, कितना का स्पेस पीछे मिलता है वो एक बार दिखाता हूँ। तो पहले अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर लेते हैं, अब चलते हैं इसका पीछे। तो यहाँ पे रियर वाला जो डोर है वो ओपन कर लेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे भी व्हाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन मिलता है, सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है। यहाँ पे देख सकते हो पावर विंडो वाला बटन होगा, और यहाँ पे छोटा सा जो है बॉटल होल्डर मिलता है। यहाँ पे डोर लीवर हो गया, यहाँ पे देख सकते हो रियर वाले जो सीट के हेडरेस्ट है वो एडजस्टेबल आ रहे हैं, अच्छे लगते हैं। और जो है सेफ्टी भी काफ़ी यहाँ पे मिल जाता है इसकी वजह से। और यहाँ पे देखेंगे तो सीट बेल्ट कुछ इस तरीके से है, और ये जो है 60-40 स्प्लिट फीचर मिल जाता है। इतनी छोटी गाड़ी है लेकिन फिर भी ये वाला फीचर दिया गया है ना, एक बहुत अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि ज़्यादा सामान हो तो एक सीट फोल्ड करके ले आ जा सकते हैं, सही चीज़ है। और यहाँ पे बैठेंगे तो स्पेस देखो अच्छा, यहाँ पे नी रूम स्पेस मिल जाता है, लेग रूम भी बढ़िया है, हेड रूम भी अच्छा है यहाँ पे, और यहाँ पे रियर यहाँ पे बॉटल रखने के लिए स्पेस दिया है। यहाँ पे देखेंगे तो सीट बैक पॉकेट ड्राइवर मतलब पैसेंजर साइड की तरफ यहाँ पे दिया गया है। तो ये था इसका रियर केबिन के बारे में। अब इसका एक बार इंजन की बात करते हैं, और इंजन की बात करने के बाद इसके प्राइस की कीमत की बात करते हैं। तो करते हैं बंद, यहाँ पे सबसे पहले इसका बोनट उठा लेते हैं। तो इंजन देखो यहाँ पे इंजन ज़बरदस्त, एकदम मक्खन इंजन जिसको बोलते हैं वो यहाँ पे मिल जाता है, 4 सिलेंडर के साथ यहाँ पे इंजन मिलता है इसमें। और पावर की बात करेंगे तो यहाँ पे 81 BHP का यहाँ पे मिल जाता है, और जो टॉर्क है वो यहाँ पे 113 Nm यानी 113 Nm का टॉर्क यहाँ पे मिल जाता है, ज़बरदस्त है। ऊपर प्रॉपर इंसुलेशन भी दिया गया है, और अच्छा है, ज़बरदस्त पावर ये प्रोड्यूस करता है, और माइलेज भी ज़बरदस्त यहाँ पे मिल जाता है, जो कि मैंने शुरू में बता दिया था, एक बार फिर से बता देता हूँ। माइलेज जो है इसमें 21 KMPL का माइलेज यहाँ पे क्लेम होता है ऑटोमेटिक में। तो ये था गाड़ी के फीचर्स के बारे में। अब आते हैं इसका कीमत के ऊपर,
एक्स शोरूम जो कीमत है इसका वो है 8,11,000 इसका एक्स शोरूम कीमत है अभी इस समय पे। और ऑन रोड के लिए मैं कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप चेकआउट करके कॉन्टैक्ट करके ऑन रोड प्राइस पता कर सकते हैं। कैसी लगी गाड़ी कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।